हेलो एसपेरेंट सो इन टूडेज क्लास वी विल डील विद इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ जी एस दैट आर फोक डांस एंड वी विल डील विद सेकंड टॉपिक दैट इज़ फोक प्ले ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोक डांस में हम लोग देखेंगे सुअर डांस फंथी डांस एंड राउत नाचा फर्दर वी विल मूव टूअर द टॉपिक ऑफ फोक प्ले सोज बिफोर राइटिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई एम डीलिंग विद आई एम राइटिंग अ वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एंथुजियाजम गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर काम करने के लिए एंथुजियास्टिक होना चाहिए क्योंकि अ वेरी गुड कोर्ट द रियल सीक्रेट आपको सीक्रेट जानना है सक्सेस का तो दिस इज द सीक्रेट दियर रियल सीक्रेट टू सक्सेस इज एंथुजियाजम ठीक है तो आपको एंथुजियास्टिक बने रहना है यही है सक्सेस का सीक्रेट आपको जो चीज करने में मजा आ रही है वो करना है आपको और करते ही जाना है विदाउट फेलियर चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुआ ये आप देख रहे हैं जो ये जो लड़कियां यहाँ पे कर, नाच रही है यही है सुआ डांस यहाँ आप बीच में देख रहे होंगे यहाँ पे एक टोकनी है ठीक है एक टोकनी है इसके अंदर दो सुआ होंगे दो सुआ, सुआ क्या होता है टू पिकॉक दो पिकॉक को रखा जाता है पिकॉक टाइप के टॉयट्रक्चर का जो क्ले का बना होता है उसको रखा जाता है फर्दर यहाँ एक दिया जल रहा है आप देख रहे हैं दिया जल रहा है तो ये चीज़ें इसे कंसिस्ट करती है क्या सुहा का इसको बोलते हैं सुहा ठीक है सुआ, इसमें दो पिकॉक और पिकॉक जो है गौरी शिव को डेपेक्ट करता है गौरी शिव भगवान को डेपेक्ट करता है ठीक है फर्दर ये जो लड़कियां हैं इसकी पी, गोल गोल इसके अराउंड घूमती हैं और इसके अराउंड गाना गाते हुए आ, आ, डांस मतलब गाना गाते हुए गोल गोल ये घूमती हैं इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता सुहा डांस में फर्स्ट ऑफ ऑल और ये गाना क्या गाती है नरी हरी नाना नरी हरी नाना रे सुना तो ये गाना आप कभी YouTube में डाल के सुन लीजिए और आप सुने भी होंगे आप अपने घर में रह होंगे दिवाली के टाइम पे आते हैं ये लोग घर पे और ये डांस करते हैं ठीक है तो चलिए क्या होता है मैंने बताया आपको देखिए बताया तो ये ऐसा एक टोकरी दिख रही है आपको बीच में इसमें चावल पड़ा होता है फिर तो इसमें दो पिकॉक होते हैं ठीक है दो पिकॉक ये पिकॉक डेपिक करते हैं आपका शिव जी एंड पार्वती जी को ठीक है ये आपको ये 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 डेपिक कर रहे हैं आपका शिव पार्वती का फर्दर यहाँ एक दिया होता है ये आपको आग दिख रही है यहाँ दिया चल रहा है ये दिया होता है ठीक है ठीक है क्या होता है दिया होता है और ये दिया के अराउंड ये लोग गोल 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 घूमते हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता होता है तो हाथ में लकड़ी धो लक रख लेते हैं उसको टक 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 ताली बजाते हैं वैसा बजाते हैं तो आवाज आता है उसी के धुन पे इसको गाते हैं इन लोग ठीक है शिव गौरी की पूजा होती है अच्छा चलिए फर्दर डांस को और क्या बोला जाता है गंवारा डांस ठीक है सॉरी गौरा डांस गौरा डांस डांस और इसको गरबा ऑफ गरबा डांस ऑफ छत्तीसगढ़ बोला गया गरबा डांस ऑफ छत्तीसगढ़ किसने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपको तो ही वॉज द मैन दैट इज मुकुटधर पांडे जी ठीक है अ वेरी डेकोरेटेड पोएट ऑफ छत्तीसगढ़ राइटर ऑफ छत्तीसगढ़ हिस्टोरियन ऑफ छत्तीसगढ़ यू कैन से फर्दर दोंग विच सॉन्ग दे इसमें कौन सा गाना गाते हैं तो यू गाइस कैन राइट इट सारी लिखना है तो लिखिए नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए क्योंकि देखिये कुछ चीजें आप जब मेन्स लिखेंगे मैं मैं हिंदी में क्यों लिखता हूँ वाई आई राइट सम ऑफ द थिंग्स इन हिंदी हमने इंग्लिश में जब क्लासेज बोली तो द रीजन इज ये जो सॉन्ग है वो हिंदी में है अब इसको आप जब अपने मेन्स में मेन्स में आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने की संभावना है इतना आप हिंदी यूज कर सकते हैं चाहे आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो या इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो फिर भी ठीक है तो ये हो गया तरी हरी ना ठीक है तो ये ऐसा गाना गाते हैं इट इज लव सॉन्ग ठीक है इट इज लव सॉन्ग ये भी याद रखिएगा आप इस गाने में क्या रहता है देखिए अब पूरा गाना तो मैं नहीं बता रहा हूं मगर आपको ये बताया तो मैं सुआ गीत सुथ शिव गौरी लव स्टोरी ठीक है एंड दुआ गीत एंड विथ द मैरिज ऑफ शिवा एंड गौरी देख रहे हैं आप तो ये है इस गाने में क्या आप गाया जाता है ये गाया जाता है स्टार्ट होता है यहां से और एंड होता है शिवा जी के और पार्वती जी के मैरिज से ठीक है फर्दर आप लोगों को ओकेशन किस ओकेशन में गाया जाता है देखिए मैं हर चीजें आपको डीप में बता रहा हूं ठीक है मेन्स परस्पेक्टिव से सारे नवरात्रि के टेंथ डे जो टेंथ डे होता है अश्विन नवरात्रि का आपका होता है उससे स्टार्ट किया जाता है और टेंथ डे के बाद क्या वो क्या होता है दशहरा होता है ठीक है दशहरा तो राम जी जो है श्रीलंका दशहरा वाले दिन आते हैं ना इंडिया वापस तो आ, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ मैं वापस अयोध्या की ओर आ जाते हैं दसवें दिन पे दसवें दिन पे रावण को मारने के बाद तो उसकी खुशी में डांस किया जाता है ठीक है टेंथ डे दशहरा ठीक है वुमेन जो और ये छत्तीसगढ़ में क्यों किया जाता है छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके गए भगवान सॉन्ग तो ठीक है जॉय एंड कौन करती है वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक है वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ डू दिस सॉन्ग चलिए फर्दर वी देखिए अब ये सुहा सॉन्ग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे इसमें आपको कोई भी मेल नहीं दिख रहा है तो इट इज पर्टिकुलरली फीमेल डोमिनेंट डांस फॉर्म फीमेल डोमिनेंट ओनली फीमेल पार्टिसिपेट देयर ठीक है तो ये भी आप इंपॉर्टेंट ओनली वुमेन पार्टिसिपेट इन सुहा डांस ठीक है अच्छा ये हर कास्ट के लोग करते हैं इस डांस को वुमेन बट बेसिकली इट इज मेनली डन बाई कोलिन कोलिन कास्ट कोलिन एक कास्ट होता है उनके लोग ज्यादा करते हैं जैसे जो राउत डांस है वो राउत नाचा के राउत पीपल डू दैट डांस तो इसमें क्या है कि उसमें सिर्फ राउत लोग करते हैं बट इसमें ऐसा नहीं इसमें और कास्ट के भी लोग करते हैं बट जो प्रीडोमिनेंटली बेसिकली मतलब प्राइमरली किसने करना है तो प्राइमरली कोलिन कास्ट के लोग करते हैं ठीक है तो दे डांस अराउंड टोकरी जिसमें पैरेट होता है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में पूछ सकता है देर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता ठीक है ठीक है अब फर्दर जो सुहा होता है ना किसको बोला था मैंने दो uh, ये जो पिकॉक है सुहा शिव पार्वती को डेपेक्ट करते हैं ये किससे बनते हैं सॉइल या क्ले से बनते हैं ठीक है यू गाइड शुड नो दैट Further, ये मैंने आपको रिगार्डिंग सेकेंड फोक ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज राउत नाचा राउत नाचा देख रहे हैं क्या नाच रहे हैं इन लोग हाथ में पकड़े हैं डंडा लगाए हुए हैं सब जगह पूरा गोल्डन गोल्डन चिकमिक चिकमे देख रहे हैं आप ये मोजा वोजा पहन के वाइट वाइट जूता पहन के द स्टाइल स्टाइल देख रहे हैं आप फुल फॉर्म में भाई इन लोग सब लोग तो यही है राउत नाचा बहुत इंपॉर्टेंट नाचा है राउत नाचा बिलासपुर का ये फोटो बहुत जबरदस्त नाचा है इन लोगों ने ठीक है तो अब देखते हैं हम राउत नाचा के बारे में मूविंग राउत नाचा क्या है राउत नाचा इज ऑल्सो नोन एज गहिरा डांस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यू कैन यू शुड नो गहिरा डांस ठीक है डन प्रीडोमिनेंटली बाय और प्राइमरीली बाय द कम्युनिटी ऑफ राउत दैट आर यदुवंशी ठीक है राउत के रा, राउत जो कम्युनिटी है उनके द्वारा किया जाता है वॉट दिस डांस फॉर्म शोज अस ठीक है तो आप लिख सकते हैं दिस फॉर्म दिस डांस फॉर्म दिस डांस is इज as a सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ श्री कृष्णा ऑन कंस आफ्टर किलिंग इम जब ये कृष्ण भगवान है इन्होंने अपने मामा मामा को मारा कंस को उसके बाद जो डांस उन्होंने किया था वही है राउत डांस ठीक है राउत नाचा जो आज बोला जाता है तो मैं लिख देता हूँ दिस डांस इज ऑर्गेनाइज मैं लिख इसलिए रहा हूं बता के भी मेरे को खत्म हो सकती है बातें बट आप लोग इसको फिर मेन्स में कैसे लिखेंगे मेन्स में लिखने के लिए नोट्स प्रिपेयर होगा सब भूल जाएंगे आप लोग मेन्स तक तो मेन्स में ही आप रिविजन करेंगे क्लासेज आपको वापस देख के फटाफट रिविजन करने में काम आएगा चलिए ठीक है फर्दर ये कब स्टार्ट होता है राउतना नाचा तो ये आपका कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन से स्टार्ट होता है तो आप वो भी लिख लीजिए डांस स्टार्ट दिवाली के बाद आप देखते हैं ना उसी के बाद देव उठने के बाद चालू होती है कि नहीं होती है और कार्तिक प्रबोधनी एकादशी किसको बोलते हैं हम डांस स्टार्ट फ्रॉम कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी अच्छा तो और फोर्थ नाइट ठीक है एक पंद्रह दिन तक पूरा ये डांस फॉर्म लोग घर घर जाके दे डांस ठीक है फर्दर ये, आप राउत नाचा में आपको और क्या क्या पता होना चाहिए देखिए ये होता कैसा है इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल मड़वा होता है ठीक है मड़वा जो कि एक कम्युनिटी है केवट कम्युनिटी केवट कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है वैसा बड़ा सा मड़वा होता है ऐसा ऐसा करके आप देखेंगे सुंदर सा इसमें फोटो पे है नहीं ठीक है वो मड़वा होता है उसको एक राउत आदमी लेके चलते हैं राउत लोग ठीक है ये राउत लोग पकड़ के इसको मड़वा को चलेंगे तो इसको लेके चलता कौन है बाई राउत राउत ठीक है ये आपको क्लियर हो गया फर्दर जब इसको लेके चलते हैं और ये नाचते हैं तो इन लोग दोहा पढ़ते हैं दोहा ठीक है दोहा में होता क्या है कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल फ्रॉम महाभारत ठीक है कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल दोहा ये कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल पढ़ते हैं फर्दर इनके गॉड कौन होते हैं इस पूरे पर्टिकुलर राउत नाचा के तो वो होते हैं खोड़हर देव खोड़हर देव इज द गॉड खोड़हर देव एंड खोड़हर देव इज मेड ऑफ वुड 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 ठीक है सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन बनाता है कौन सी कम्युनिटी पकड़ती है कौन दोहा किसके लिए किस कॉन्टेक्स्ट में गाया जाता है भगवान कौन से हैं वो किनसे बनते हैं ठीक है थीके? तो आपको सब पता होना चाहिए फर्दर जो राउत हैं ये सारे के सारे दे गो टू देर ठाकुर हाउस ऑन उठनी देखादशी एंड दे टाई सुहाई टू द काउ सुहाई जो मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको दिखाया था गले में गाय के जो अलग अलग कलर का एक बेल्ट टाइप माना जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए फॉर दैट फर्दर इसमें आप देखेंगे आ, आ, ये जो ये डंडा पकड़ के नाचते हैं दिस शोज द वेलर एंड वेलर आर शोर्ड वेलर इज शोड बाय मैन वेलर वेलर आर शोड बाय मैन ठीक है ये डेपिक करने की कोशिश करते हैं फर्दर इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है गढ़वा बाजा दड़ा, 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 ऐसे बसता है PCS. ठीक है गढ़वा बाजा, बाजा यूज होता है ठीक है अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आपको गोवर्धन पूजा और जब मातर बताया था उसमें ही बताया था कि राउट डांस होता है तो ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष फर्स्ट और सेकेंड डे में भी होता है बट जो बेसिक स्टार्ट होना होता है वो इससे होता है कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से करना होता है बट जो पहला और दूसरा दिन होता है ना आपके दिवाली के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड डे दिस टाइम और इन दोनों दिन जो गोवर्धन पूजा और मातर होता है उन दिनों में भी आपका राउत नाचा किया जाता है ठीक है फर्दर राउत नाचा इज अ मेल डोमिनेंट डांस फॉर्म मेल डोमिनेंट डांस फॉर्म जैसे कि सुहा नाचा इज अ फीमेल डोमिनेंट डांस फॉर्म इट इज द मेल इट इज मेल डोमिनेंट डांस फॉर्म एंड द कैरेक्टर ऑफ फीमेल कैरेक्टर ऑफ फीमेल आर परफॉर्म बाई मेल कैरेक्टर ऑफ फीमेल आर परफॉर्म बाय मेल जो मेल आदमी है वही फीमेल के कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं फर्दर आपको एक करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज़ बिलासपुर में बिलासपुर राउत नाचा राउत नाचा होता है फ्रॉम नाइनटीन सेवन इट इज वेरी फेमस वेरी फेमस कभी आपको मौका पड़े तो आप जाके देखिए ठीक है और आपको ये भी पता होना चाहिए 2023 में फोर्टी अभी जो होने वाला है वो फोर्टी सिक्स राउतराचा होगा वो ठीक है 78 से आप काउंट करेंगे तो 46 साल निकलेगा तो फोर्टी सिक्स ये जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा फर्दर वी विल मूव टूवर्ड द थर्ड सॉन्ग दैट इज पंथी सॉन्ग आप देख रहे हैं ये वाइट कपड़ा पहन के कर रहे हैं लोग क्या पंथी सॉन्ग तो पंथी सॉन्ग को आप हम स्टार्ट करते हैं पंथी सॉन्ग इट इज एसोसिएटेड इट इज इट इज ए ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ सतनाम पंथ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ सतनाम पंथ सतनाम पंथ सतनाम पंथ ठीक है सतनाम पंथ का ट्रेडिशनल सॉन्ग है ठीक है अब सतनाम पंथ कहां से आता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग ठीक है एटीनथ ऑफ दिसंबर छुट्टी होती है कि नहीं होती है यही वो दिन क्यों होती है 1756 में घासीदास जी सिक्स में घासीदास जी एट गिरोधपुरी गिरोधपुरी कहां पड़ता है आप कमेंट में बताएंगे बलोदा बाजार यहां पैदा होते हैं कौन आपके गुरु घासीदास जी और ये तेलासी बाड़ा में एक शर्मन देते हैं जिस शर्मन से ये जो सेक्ट है वो चालू होता है तो अभी हमने पढ़ा चुका हूं तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं उसके बारे में फर्दर डे इट इज दिस डांस फॉर्म इज डेडिकेटेड किसके ऊपर डेडिकेटेड डेडिकेटेडीटेड टू तो गुरु घासीदास ठीक है गुरु घासीदास जी ठीक है एंड गुरु घासीदास जी इज द फाउंडर ऑफ सतनाम सेक्ट ठीक है अब इसको किस सॉन्ग में गाया जाता है डांस ऑन पंथी सॉन्ग पंथी सॉन्ग किसके ऊपर बेस्ड होता है तो वो लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु घासीदास जी के ऊपर तो ठीक है ये भी लिख लीजिए आप डांस ऑन पंथी सॉन्ग एंड दिस पंथी सॉन्ग इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु घासीदास जी ठीक है ये आपको पता होना चाहिए तो अब इसमें चालू कैसे होता है डांस फॉर्म देखिए डांस फॉर्म चालू कैसे होता है दिस डांस फॉर्म स्टार्ट विद ऑफरिंग गुरु वंदना एंड फॉलो जो फॉलोअर्स ऑफ द सतनाम जो है वो इरेक्ट करते हैं क्या दैत खाम जैत खाम उसको पूजा करते हैं उसके अराउंड पूरा गोल उसके बाद फिर इन लोग डांस फॉर्म चालू करते हैं ठीक है तो आप लिख सकते हैं डांस बिगिन विथ ऑफरिंग वंदना ठीक है एंड फॉलोअर्स इरेक्ट जैत खाम इसी को ये मानते हैं इसी के ये गोल गोल घूमते जैद खाम वॉज अ प्लेस ना ठीक है जैद खाम जैद खाम आप देखे होंगे वो कहां पे है बलुदा बाजार में है जिसको हम लोग सिनेनम टू कुतुब मीनार मानते हैं ऑफर वर्शिप राउंड इट ठीक है अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसे तो मांधार और सिंबल ये दो इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट यूज परफेक्ट बता रहा हूं मैं पूरा मेंस के लिए आपका तैयारी हो रही है ये थी चीजें तो आप लोग बहुत फ्रूटफुल रहेंगे जो लोग यहाँ पे पूरा तैयारी कर लेंगे ऐसा आपको इंग्लिश में मटेरियल आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइस कि यू पीपल विल नॉट गेट दिस टाइप ऑफ मटेरियल इन इंग्लिश दिस इज अ वेरी क्यूमुलेटिव मटेरियल आपको किसी भी एक बुक पे नहीं मिलेगा आई हैव रिसर्च टू टू थ्री बुक्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एंड दिस मटेरियल आई हैव मेड सो

प्लस वुमेन वियरिंग व्हाइट क्लोथ द इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइट क्लोथ देखिए मैंने ऊपर सिर्फ मेल का डाला है एक डांस देखिए ये आपको डांस फॉर्म दिख रहा है ऊपर में कपड़ा क्या पहन रखा है इन सब लोगों ने देख रहे हैं आप सब ने व्हाइट पहना है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइट डांस कलर का कपड़ा पहनते हैं और इसमें देखिए पिरामिड और एक, एक्रोबेटिक करते हैं तो ये पिरामिड आपको दिख रहा होगा देखिए ये क्या दिख रहा है आपको ये पिरामिड बनाया है इन्होंने ये पिरामिड ये पिरामिड और ये एक्रोबैट कर रहे हैं यहां देखिए पीछे में तो ये मैं फोटो क्यों डालता हूं आपको याद रहेगा हमेशा तो याद रखना मैन प्लस वुमेन एंड पिरामिड एंड एक्रोबैटिक ठीक है अब इसके कौन प्रीड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए प्रोमिनेंट आर्टिस्ट तो दो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट मैं यहां बता रहा हूं आप लोग को फर्स्ट इज लेट देवदास लेट देवदास बंजारे एंड सेकेंड वन इज ऋषि टंडन ठीक है तो वी हैव डेल्ट विद दिस ऑल्सो तीनों डांस फॉर्म और सॉन्ग के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं फर्दर वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोक प्ले फोक प्ले के ऊपर हम लोग मूव करते हैं चलिए पहला फोक प्ले हम लोग देखते हैं जो कि है रहस रहस्य अब आपको रहस्य को समझना है ठीक है रहस्य जो है पहले मैं आपको चीजें बता देता तो, हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या फ्रॉम कल्चुरी एरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एरा से रहस्य चालू हुआ है ठीक है तो कलचूरी एरा से चालू हुआ है सेकेंड इट द रहस्य रासलीला ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश में रासलीला होती है उसी से इंस्पायर्ड है तो इंस्पायर्ड ये भी क्वेश्चन है पूछ सकता है आपको कि इंस्पायर्ड फ्रॉम विच बाय रासलीला कहा होता है रासलीला उत्तर प्रदेश में ठीक है ऑल्सो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गीता इंस्पायर्ड फ्रॉम गीता भगवत गीता किसमें है महाभारत में है महा

जिस जिस जगह पर रहस होता है उसको क्या बोला जाता है रहस बेड़ा रहस बेड़ा ठीक है द वेन्यू दिस इज दू वेन्यू वेन्यू ठीक है अच्छा फर्दर रहस इज परफॉर्मड इन स्टेज विद ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पीपल ठीक है और वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पीपल जो होते हैं उसको मंडली बोला जाता है और वो मंडली जो लीड करता है उसको व्यास बोला जाता है ठीक है व्यास बोला जाता है तो अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे ठीक है अभी आपको व्यास के बारे में डिफाइन करूंगा क्या है परफॉर्म इन स्टेज सिक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पीपल कॉल्ड मंडली फर्दर ठीक है अब इसमें देखिए राजधारी और ब्रिज मंडल होता है तो राजधारी क्या होता है राजधारी हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द रहस एंड ब्रिज मंडल होल विजय विलेज को डेकोरेट करते हैं ठीक है थीके? तो ये आप लिख लीजिए दो चीजें क्वेश्चन पूछ देगा कि राजधारी क्या है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट रहस्य फर्दर ब्रिज मंडल होल विलेज डेकोरेटेड ठीक है चलिए और फर्दर आई टोल्ड यू कि मंडली और मंडली को लीड कौन करता है लीड व्यास ठीक है अब व्यास के बारे में हम लोग चीजें पढ़ेंगे व्यास क्या है यह क्वेश्चन काफी क्वेश्चन व्यास से बनते हैं व्यास किसी भी कास्ट का हो सकता है पहली भी ठीक है कास्ट जब वो व्यास है वो आपका आएगा व्यास ऑफ ब्राह्मण कास्ट ब्राह्मण ठीक है और व्यास आएगा ऑफ एनी अदर कास्ट एनी अदर कास्ट दैट इज एस सी एस टी और ओबीसी ब्राह्मण छोड़ के कोई और अदर कास्ट कोई भी ठीक है तो दिस व्यास विल बी कॉल्ड ए सवर्ण कास्ट सवर्ण रहस्य रहस जो होगा इसको सवर्ण रहस्य बोलेंगे और इस रहस्य को क्या बोलेंगे सतनाम रहस्य सतनामी रहस्य तो ये आप समझ गए अब जो सवर्ण रहस्य है वो नाइन डे के लिए होता है ठीक है और ये जो सतनामी रहस्य टेन डेज के लिए होता है आपका ये पता होना चाहिए डिफरेंस ये मेंस का पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको ठीक है क्वेश्चन पूछ देगा और पूछता भी है होता कहां है दोनों देखिए अब ये टेन डे तो इसमें हर चीजें एक्स्ट्रा होंगी याद रखिएगा सतनाम रहस्य में ठीक है अब ये होता कहां है अंडर कदम ट्री अंडर कदम ट्री कदम के पेड़ के नीचे ठीक है कदम ट्री इसमें भी आप लिखेंगे ये भी होता कहां है अंडर कदम ट्री क्या किया जाता है राधा एंड कृष्णा राधा एंड कृष्णा का आइडल रखा जाता है क्या मूर्ति इंस्टॉल्ड यहां पे आपका देखिए एक दिन ज्यादा है तो कुछ एक्स्ट्रा होगा मैंने कहा तो यहां पे आपका क्या राधा कृष्णा प्लस रिद्धि सिद्धि रिद्धि एंड सिद्धि इनकी भी आइडल को यहां पे इंस्टॉल किया जाता है प्लेस किया जाता है कहा कदम ट्री के नीचे फर्दर इसका इंपॉर्टेंस वाई इज सवर्ण रहस्य डन तो इट हैज द प्री डोमिनेंस ऑफ डिवोशन प्री डोमिनेंस ऑफ डिवोशन डिवोशन भक्ति भक्ति जो होती है उसके लिए ज्यादा होता है ब्राह्मण वाला जो है ठीक है फर्दर दिस वन इज फॉर डिवोशन प्लस एंटरटेनमेंट यू गाई शुड नो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज एंटरटेनमेंट इन सतनामी रहस इंटरटेनमेंट ठीक है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट फर्दर वी विल गो देखिए अब जो होता है ना इसमें एंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट है इसमें क्या आता है विधूषक आता है विधूषक ठीक है इसी को जोकर बोलते हैं बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जोकर होता है इंग्लिश में और उसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जो आधा कड़ ठीक है जोक्ड ये होता है और इसमें देखिए पैसे देकर फरमाइश भी कर सकते हैं जो आपको चलवाना होता है वैसी चीजें होती हैं तो आप लोग कभी देखना आपको मौका मिले गांव गांव के इलाके में हो आप रूरल इलाके में हो तो आप जाके देखिएगा ठीक है फर्दर तीन प्रकार के अलग अलग स्पेशल डांसर्स होते हैं इसमें दैट इज़ भक्ति, फर्दर वैराग्य एंड ज्ञान तो ये लिख लीजिए आप लोग मेंस में लिखने के काम आएगा आपको थ्री स्पेशल डांसर ठीक है फर्दर रहस्य इज डन एट द टाइम ऑफ होली देखिए होली के टाइम पे ये किया जाता है इन जनरल होली के टाइम पे ये भी पता होना चाहिए आपको होली करा कभी भी जा सकता है बट होली के टाइम पे जनरली किया जाता है लोगों के पास पैसे होते हैं धान कटाई बेच वेच लेते हैं लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं ना पैसे वैसे हैं तो थोड़ा सा खर्चा कर लिया जाए वाला टाइप से माहौल हो जाता है सेकेंड इज द नाचा नाचा फोक ड्रामा नाचा फोक अब नाचा क्या होता है इसको और क्या बोला जाता है चाइला पार्टी चाइला पार्टी ठीक है चाइला पार्टी अब देखिए ये क्या है ड्यूरिंग मराठा रूल नाचा फोक स्टार्टेड जो नाचा फोक है वो किसके टाइम पे चालू हुआ देखिए कौन सा है जो आपका रहस्य है वो कलचूरी के टाइम पे चालू हुआ तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है इन द टाइम ऑफ मराठा मराठा द नाचा फोक वाल स्टार्टेड मराठा रूल ठीक है नाचा फोक स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज को ठीक है करते अब ये जो होता है कैसे देखिए ये आपका जगह होता है इन जनरल आपको हम बताया तो यहाँ पे स्टेज होता है यहाँ नाचा होता है ये यहाँ पे डिवीजन होता है और यहाँ वुमेन बैठे हैं तो यहाँ मैन बैठे हैं ऐसा होता है ऐसा जगह देखिए ओपन एयर में होता है ये सब चीजें तो नाचा आपका क्या होता है नाचा का होता है मैंने बताया ओपन एरिया एयर ठीक है ओपन एयर में होता है खुला ये ग्राउंड है ग्राउंड में स्टेज है यहां नाचा हो रहा है यहां वुमेन एक साइड बैठी है एक साइड बैठे हैं ऐसा चलता है भाई कार्यक्रम ठीक है थीम क्या होता है इसमें देखिए पिछले वाले को मैंने आपको रह, रहस्य का बताया कि सोशल कस्टम आपका सोशल अपलिफ्टमेंट थीम था तो इसका थीम नाचा का क्या थीम है थीम द थीम इंक्लूड इंक्लूड सोशल कस्टम सोशल कस्टम मतलब सास बहू की लड़ाई देवरानी जेठानी की लड़ाई भाई भाई की लड़ाई ये सब दिखाया जाता है ठीक है फाइट फॉर जो डे टू डे लाइफ है वो सब दिखाया जाता है नाचा में सोशल सोशल इविल्स जो इविल्स होते हैं आपके ना अनटचेबिलिटी हमकड़ हमका ये सारी चीजें देन हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी जो एक्चुअल में लाइफ होती है वो सब नाचा में डिपिक की जाती है याद रखिएगा दिस कंसिस्ट ऑफ कॉमेडी एंड सटायर कॉमेडी एंड सटायर ठीक है कॉमेडी एंड सटायर आर की एलिमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोक फोक फॉर्म कॉमेडी एंड सटायर आर की एलिमेंट आप लिखना है आपको इस सारे मेंस में लिखा जाता है ठीक है तो फर्दर मैंने क्या बताया इट इट डिपेक्ट ऑल द इंसिडेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू सॉन्ग एक्टिंग एंड डायलॉग्स ठीक है it, it song, आपको पता होना चाहिए नाचा प्रेजेंट ऑल द इंसिडेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू डांस म्यूजिक एंड डायलॉग अच्छा और एक्टिंग भी है एक्टिंग भी लिख लीजिए डांस म्यूजिक एक्टिंग एंड डायलॉग फर्दर लीडिंग एक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से हैं लीडिंग एक्टर नाम तो पता ही होना चाहिए आपको लीडिंग एक्टर इसमें पहले तो हैं दाऊ दुलार सिंह मंदार जी मंदार ठीक है तो भीष्म पितामा ऑफ नाचा बोला जाता है भीष्म पितामा लाइक गॉड फादर ठीक है ही फाउंडेड ही फाउंडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी दैट वॉज अ फर्स्ट नाचा पार्टी फर्स्ट नाचा पार्टी वॉज फाउंडेड बाई दाऊ दुलार सिंह जी एंड दैट पार्टीज नेम वॉज रवेली

वॉज अ पदम श्री अवार्डी आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए पदम श्री अवॉर्डी ठीक है फर्दर ही स्टार्टेड छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी ठीक है छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी फर्दर वी हैव अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन नोन एज सेवियर ऑफ फोक डा फोक आर्ट दैट इज रामचंद्र देशमुख ठीक है रामचंद्र देशमुख सेवियर ऑफ फोक से, सेवियर ऑफ फोक आर्ट इनको बोला जाता है सेवियर ऑफ फोक आर्ट ठीक है और इन्होंने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच देहाती कला मंच

फर्स्ट ऑफ ऑल गमत इज अनरिटन इसको लिखा नहीं जाता है ठीक है स्पॉन्टेनियस होता है अनरिटन एन इशू ऑफ सोशल सोशल कॉन्टेक्स्ट ठीक है कॉन्टेक्स्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट के इश्यूज को इसमें दिखाया जाता है अब इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है पब्लिक लाइफ हो गया आपका अनटचेबिलिटी हो गया ड्रग एडिक्शन हो गया जो आज की डेट में चल रहा है जो भी करंट में सोशल कॉन्टेक्स्ट में चल रहा होता है करंट अफेयर में चल रहा होता है एस पर सोसाइटी के रिलेटेड वो चीजें इसमें दिखाई जाती है किसमें गमत में अब ये कहा इसका वेन्यू कैसा होता है वेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी के रूप में दिखाई जाती है तो लोगों को देखने में मजा आता है जो वेन्यू होता है वो स्क्वायर शेप होता है और ओपन होता है ओपन स्पेस ठीक है फॉर फर्दर दो फॉर्म ऑफ गमत होते हैं याद रखिएगा दो फॉर्म ऑफ गमत एक होता है खड़ी गमत इतना डीप में जाने के लिए से मेंस में जरूरी है और दूसरा होता है आपका रतन पुरही गमत ठीक है दो गण, गमत होते हैं अब इसको जो है खड़, आ, खड़ी गमत है उसमें आ, इसको और क्या बोला जाता है खड़ आ, खड़े साज खड़े साज ठीक है इसमें क्या होता है आर्टिस्ट परफॉर्म जो करता है वो एक्टिंग सिंगिंग स्टैंडिंग पोजीशन में करता है इसलिए खड़ी बोल दिया इसमें ठीक है ये आपको पता होना चाहिए बस थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए मैंने बता दिया और रतनपुरिया गण जो गमत होता है इसको क्या बोला जाता है आपका बैठ बैठे गणित बैठे साज इसको क्या खड़े साज बोला गया तो इसको बैठे साज तो इसमें यही चीजें जो एक्टिंग सिंगिंग और डांस एक्टिंग सिंगिंग होता है वो सिटिंग पोजिशन में किया जाता है स्टेज में तो ये रतनपुरिया और खड़ी गमत के बीच में डिफरेंस है अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे कॉमेडी गमत इज सिनोनिम टू कॉमेडी सो रोल ऑफ जोकर जोकर जो होता है ना जोकर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये देखिए जोकड़ में कहा लिख के बताया था आप लोगों को ये विदूषक जो होता है जोकर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका विदूषक का इसमें अच्छा फीमेल डांसर इसमें कौन प्ले करता है मेल प्ले करता है जो इसमें भी गमत में सो गाइज वी द थ्री प्लेज इज गम्मत हमने डेल किया नाचा से हमने डेल किया हमने उसके साथ साथ रहस्य के साथ डेल किया फोक प्ले में फर्दर हमने आ, सुवा डांस के ऊपर देखा राउत नाचा के ऊपर देखा और पंथी डांस के ऊपर देखा सो आई होप कि आप लोगों को आज मजा आया होगा क्लास में इफ यू गाइज को आप लोगों को मजा आ रहा है और आप लोगों को लगता है दिस क्लासेज आर हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट ऑफ सीजीपीएससी एंड हु आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश डू गाइस शेयर इट शेयर इट विद पीपल इंक्रीज द रीच लाइक करिए और कमेंट करिए कुछ डाउट आ रहा है तो ठीक है थैंक यू